मैडम है सर, आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। प्लीज सिट। थैंक यू सर। चंदन सिंह जी। जी सर। अपना एक सामान्य परिचय दे बिना धर्म जाति को बताए हुए। सर मेरा नाम चंदन है, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई गाजीपुर में ही संपन्न हुई है और मैंने स्नातक एवं परस्नातक स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पूरा किया है और मेरी हॉबी क्रिकेट एवं कबड्डी खेलना है। आप गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, यहाँ कुछ शुरुआत के दौर में ही जबकि भारत में राष्ट्रवाद का ढंग से उद्भव भी नहीं हुआ था, तो वहाँ एक स्वतंत्रता सेनानी बड़े महत्वपूर्ण रहे हुए हैं। जी हाँ सर, मंगल पांडे जी से। मंगल पांडे की क्या भूमिका रही है अगर इतिहास में देखा जाए तो? सर वो ब्रिटिश सेना में एक पोस्ट पे सैन से थोड़ा ऊपर थे और इन्होंने शुरुआत में ही ब्रिटिश जो सेना और उन शासकों द्वारा देश पर जो शासन अपना थोपा जा रहा था उसके संदर्भ में उनकी चेतना जागृत हुई और लोगों को, अपने साथियों को और समाज में अन्य जो हैं उनको, उनके इस कार्यों के प्रति जागरूक करने के प्रयास किए। साथ ही साथ सर सेना में जो अपने अन्य सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर प्रथम बगावत के लिए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी जागरूक किया। सर तो नहीं माना जाएगा कि सेना में रहते हुए अगर आप बगावत करते हैं तो सेना के अनुशासन का आपने उल्लंघन किया है? हाँ सर, ये कह सकते हैं क्योंकि ब्रिटिश सेना जिस रूप में कार्य कर रही थी उनके अनुरूप सर अगर उनके विरुद्ध कदम उठाते हैं तो बगावत कही जा सकती है। बट सर वो हमें जिस तरह से शासित कर रहे थे और एक मानव के ऊपर जिस तरह मानव अपना शासन चला रहा था वो कहीं से भी गरिमापूर्ण नहीं कहा जा सकता था। ऐसे में सर एक जो स्वदेशी थे, यहाँ के मूल निवासी वो रहने वाले थे, अगर उनके गलत नीतियों के प्रति अपनी जवाबदेही उनको उनकी गलत नीतियों के प्रति उनकी जवाबदेही तय करने के लिए सर ऐसे कदम उठाते हैं तो गलत नहीं कहा जा सकता सर। एक्चुअल में उन्होंने तो चर्बी वाले कारतूस को लेकर के कुछ बगावत की थी, तो चर्बी वाला कारतूस जो था वह किस बंदूक में प्रयोग होना था सर? उसका नाम क्या था बंदूक का? हाँ सर अभी तत्काल में मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, संभवतः सर इनफैंडर राइफल थी सर। और सर ये तात्कालिक कारण था सर, चर्बी का कारतूस था। इसके पहले से ही वो इस संदर्भ में जो ब्रिटिश नीतियां थी उसके प्रति वो सर नाखुश या अप्रसन्न रहते थे सर, तो ये तो जो तात्कालिक कारण था चर्बी कारतूस वो था। अच्छा, अगर भारतीय सेना की संरचना को देखा जाए अभी, जैसे भारतीय सैन्य संरचना है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पद CDS का होता है। जी सर। ये पद क्या है सर? इसको 2019 में भारत सरकार द्वारा सृजित किया गया था। जो तीनों सैन्य शक्तियां सेनाएं हैं हमारे यहाँ, मिलिट्री सर, वायुसेना और नेवी, इनके मध्य कोऑर्डिनेशन करने के लिए और साथ ही साथ सर एक रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक डिफेंस डिपार्टमेंट बनाकर उसके सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई और ताकि इन तीनों के सेनाओं के मध्य जो समन्वय हो सके और इन तीनों सेनाओं की जो सर आवाज है उसको सुनियोजित रूप से रक्षा मंत्री तक पहुंचाया जा सके और कोऑर्डिनेशन किया जा सके। कितने स्टार का पद होता है CDS का? सर इन्हीं सेनाओं के जितने सर, इसमें स्टार तो याद नहीं है मुझे, लेकिन इक्वल स्टार होते हैं, जैसे सर सेना अध्यक्ष के जितने होते हैं उतना ही होते हैं सर। अच्छा, भारत को समुद्र की तरफ से कौन सी चुनौती मिल रही है अभी? सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कौन कौन सी चुनौती है सर? इसको कई संदर्भों में देख सकते हैं। एक तो सर जैसे करंट जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस चल रही हैं, तो सर विभिन्न शक्तियों का, जो हिंद महासागर से हम संलग्न हैं तो विभिन्न शक्तियां इधर अपने प्रभाव को स्थापित करना चाहती हैं, चाहे सर चीन हो या US हो या अन्य शक्तियां। तो पहले सर चुनौती तो ये है कि इसको शांतिपूर्ण रखना आवश्यक है। दूसरा सर पायरेसी, थर्ड सर जो अन्य तस्करी जैसे गतिविधियां हैं और जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं जैसे श्रीलंका, मालदीव, यहाँ चीन का बढ़ता प्रभुत्व और सर जैसे मछुआरों की समस्या हो गई श्रीलंका और भारत के मध्य, तो भी एक समस्या है सर। जैसे भारत का बंगाल की खाड़ी में EEZ है, उसी तरह से बांग्लादेश का EEZ है और फिर म्यांमार का भी EEZ है, उसके तीनों के बीच में इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो किस प्रकार का है जिस पर कभी बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ UN में मामला भी उठाया था? जी सर,
सर ये कहा जाता है कि कुछ नॉटिकल माइल्स होते हैं, जैसे सर 24 नॉटिकल माइल के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, तो सर ये एरिया काफी विस्तृत होता है। तो यदि पड़ोसी राष्ट्र है और उनके मध्य समुद्र यदि संकरा है सर, तो ऐसी सीमाएं अधिरोपित हो जाती हैं। तो ऐसे में सर आपसी समझ और जो यूएन कन्वेंशन है लॉ ऑफ द सी सर 1982 का, उसके अकॉर्डिंग इसमें सर डिसाइड करना होता है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य सागर द्वीप को लेकर थोड़े कुछ मनमुटाव रहे हैं, लेकिन सर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में जाकर हम लोगों ने बांग्लादेश की शिकायत को सुनी सर और उसको एक्सेप्ट की। सिंधु जल समझौते को भी रिवाइज करने की मांग चल रही है और एक तरह से भारत ने नोटिस भी पाकिस्तान को जारी किया, वो नोटिस क्या है? सर सिंधु जल समझौता सर 1960 में हुआ था और ये भारत और पाकिस्तान में जो सर सिंधु और उनकी सहायक नदियों के जल बंटवारे के लिए, तो भारत ने सर जो पश्चिमी नदी है इन्हें उनको एक तरफा छूट प्रदान की थी और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता इसमें थी सर। तो जो नोटिस है सर कि जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं अपने हित में, जो जितना हमें वहाँ प्रोवाइड किया गया है उस पर भी पाकिस्तान द्वारा बार बार कंसर्न जाहिर किए जाते हैं और इसके मुद्दे इसको लेकर अन्य संगठनों में जैसे यूएन हो गया या आईओसी हो गया सर, वहाँ पे इसको बार बार कश्मीर से जोड़ दिया जाता है। तो भारत सरकार इसको जो इस संगठन में एक तरफा सॉरी सर संधि में जो एक तरफा छूट है उस पर विचार करने के लिए उसको नोटिस दिया है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, अभी जो अग्निवीर शामिल किए गए हैं तो किस में शामिल किए गए, सिर्फ थल सेना में, नौसेना में या तीनों में, वायुसेना तीनों में? सर ये योजना तीनों सेनाओं में लागू करने की बात की गई है और अभी रिसेंट में मिलिट्री में और सर नेवी में ये कार्यरत हो गए हैं। जी सर, अच्छा क्या लगता है ये सही कदम है भारत में आर्मी में तो टेम्पोरी बेसिस पे 4-5 साल के लिए अपॉइंट हो रहे हैं, तो ये सही है कदम? सर जो वर्तमान का परिदृश्य है सर और जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं या दुनिया के अन्य महाशक्तियां हैं उनको देखें सर, तो अपने सेना के मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं और कहा भी जा रहा है सर कि जो तत्काल का युद्ध होगा या वर्तमान का युद्ध ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होता जा रहा है। तो सर ऐसे में अन्य जो राष्ट्र हैं उन्होंने ऐसे अपने यहाँ मॉडिफिकेशन किए हुए हैं, तो उस परिदृश्य में ये कदम हमारा तार्किक है सर। और इसमें चूंकि हमारे यहाँ एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उस पुल का सही यूज भी करना है सर। और साथ ही साथ मेरा मानना है सर कि अगर इस कम उम्र में उनको अगर अवसर दिए जाते हैं तो उनमें ना केवल सैन्य अनुशासन आएंगे अपितु सर स्किल भी सीखने की उनको अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ सर जो सरकार ने इस पर विभिन्न प्रोविजंस किए हैं, चाहे जैसे कुछ आरक्षण रिजर्वेशंस की बात की है सर कि अगर आप वहां से सेवानिवृत्त होते हैं तो आपको सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में, राज्यों के पुलिस सेक्टर्स में या अन्य कंपनियों में आपको अवसर मिलेंगे। आपका जो मुस्टैट्स है, आपका ग्रेजुएशन मुस्टैट्स आपने किया जी सर, इसमें मीडियन और मोड में क्या रिलेशन, क्या फार्मूला है दोनों के बीच, मीडियन और मोड के बीच का रिलेशन का जो फार्मूला है, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन? सर मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको हम या तो सर अवरोही या आरोही क्रम में पहले उसको लगाते हैं, तत्पश्चात सर जो उसकी मीड वैल्यू होती है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। यदि वो विषम है तो डायरेक्टली सर हमें मीड वैल्यू मिल जाती है, यदि वो सम संख्या है तो हमें दो संख्याओं के जो बीच के होते हैं उनका एवरेज लेना पड़ता है सर। और मोड जो होता है सर उसके कैलकुलेशन के लिए हमें जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनमें ये नोटिस करना होता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन फ्रिक्वेंटली या उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है या उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है सर। एक्यूरेसी कहाँ ज्यादा दिखाई पड़ती है मुझे, मीडियन में या मोड में? अगर एक्यूरेसी की बात करें किसमें ज्यादा दिखाई पड़ती है? सर मीडियम ज्यादा एक्यूरेट रहेगा मोड की अपेक्षा सर। एक वर्ड है वहां पे क्वार्टाइल, जी सर हाउ डू यू मीन बाय क्वार्टाइल? सर ये किसी भी ऑब्जर्वेशंस को सर चार भागों में बांटने के लिए सर, उसमें जो सेंट्रल टेंडेंसी पता करने के लिए ये भी एक एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होता है सर। हम लोग कैसे निकालते हैं बार डायग्राम, कैसे निकालते हैं हमको बनाना हो बार डायग्राम? जी सर कैसे बनाते हैं बार डायग्राम? बार डायग्राम करने के लिए सर जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको जो चार्ट होता है एक एक्स वाई और एक एक्स एक्सिस मान लेते हैं सर, एक वाई एक्सिस, तो जो टाइम पीरियड होता है सर उसको एक्स एक्सिस पर रखते हैं और जो आप जैसे सर जो वैल्यूज होती हैं चाहे वो सर उनको वाई एक्सिस पर रखते हैं। फिर उसके बाद सर इक्वल एक रो कॉलम बनाते हैं सर इक्वल डिस्टेंस पे, तो इससे बार डायग्राम ड्रा होता है सर। ये जो एक्सिस है इसे वाई एक्सिस? जी सर वाई एक्सिस में वाई हो गया, फिर वाई डैश, y and y dash, समझे बात को क्या बोलना चाह रहे हैं? जो एक्सिस होगा वो एक्सिस का वन छोर होगा y, अदर छोर होगा y dash। जी सर
तो क्यों बोलते हैं इसको वाइट हाउस? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं जानता हूँ। अच्छा, अंतिम प्रश्न है मेरा स्टेट्स वाला कि ये जो पाई चार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पाई चार्ट का फार्मूला सर, इसके जैसे 360 डिग्री होता है सर, तो कोई भी वैल्यूज उसको कोण में निकालने के लिए हमें 360 डिग्री के अनुरूप निकालना पड़ता है सर। ये तो क्लियर। तो सर उसमें वो जो वैल्यूज मेजर करनी होती है, उस वैल्यूज को सर अंश में रखते हैं, 360 को हर में रखते हैं और मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं सर। ठीक, थैंक यू सर। यूपी में अभी कौन कौन से चलाए जा रहे हैं स्कीम महिलाओं संबंधित? सर उनके डिफरेंट सेक्टर में इनको विभाजित कर सकते हैं। दो का नाम बता दीजिए, महिलाओं के लिए स्कीम बता दीजिए, दो का नाम, सिर्फ नाम बता दीजिए। सर एक आईसीडीएस अम्ब्रेला स्कीम है जो भारत सरकार की है, यूपी में संचालित होती है। उनके विवाह के लिए सर एक कन्या सुमंगला योजना है, बच्चियों के जन्म से लेकर उनके स्नातक तक की पढ़ाई के लिए। कितना पैसा मिलता है सर उसमें? 15,000 का प्रोविजन किया गया। थैंक यू। चंदन जी, आपका ऑप्शनल क्या है? सर हिंदी लिटरेचर। ठीक है। का शब्द का उच्चारण, का अक्षर का उच्चारण जी सर कहाँ से होता है? सर ये कंठ से होता है। चरण स्थान कंठ। ठीक है। हिंदी के कौन कौन से उपन्यास पढ़े हैं आपने? सर उपन्यास मैंने बेसिकली बस सिलेबस के ही पढ़े हैं सर अभी तक, लेकिन कुछ सर एक्स्ट्रा जैसे समरी मैंने बहुत उपन्यासों की पढ़ रखी है। जैसे सर जैनेन्द्र जी की जितनी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है उनमें से मैंने कम से कम 6-7 पढ़े हैं सर। और शेखर एक जीवनी अग्निवीर जी की है सर, उसको भी उसका सारांश भी मैंने पढ़ा है। और साथ ही साथ सर प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास है तो कुछ को मैंने रीडिंग की हुई है, कुछ का सर समरी जितने हैं सबकी समरी पढ़ी हुई है। आप जितने कह रहे हैं, क्या आपको पता है प्रेमचंद जी के कितने उपन्यास लिखे हैं? सर जो उनके फेमस हैं, सॉरी सर जितने फेमस हैं उतने पढ़ा। अच्छा ठीक है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपने बताया कि आप गाजीपुर के निवासी हैं। जी सर। गाजीपुर में भोजपुरी भाषा प्रयुक्त की जाती है। जी सर। भोजपुरी भाषा के कोई दो कवि बताइए। सर एक भक्ति काल के बाद होते थे सर भीखा संत जी हैं, और सर इस समय एक जो उनका नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, वो बहुत फेमस राइटर रहे हैं, भिखारी ठाकुर जी। और सर एक और हैं सर, अभी करंट में सर उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इसको जाके देख लूंगा सर। ठीक है। बनारस से आने वाले साहित्यकारों के बारे में बताइए। बनारस से सर इनको कई कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सर कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद जी, उपन्यासकार के रूप में और कहानीकार के रूप में प्रेमचंद जी, तत्पश्चात सर भारतेंदु हरिशंकर जी, अन्य राइटर्स। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी का नाम बोल रहे हैं आप? सर ये बस्ती से थे। बस्ती से थे लेकिन बनारस में उन्होंने काम किया हुआ है। जी सर। ठीक है। आपके पसंदीदा कवि कौन? सर पसंदीदा कवि सर इसमें चयन करना कठिन है सर, भक्ति काल में जैसे मुझे कबीरदास जी और तुलसीदास जी अच्छे लगते हैं, आधुनिक काल में सर जयशंकर प्रसाद जी और समकालीन में अग्रेज जी अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें सर एक का चयन करना हो तो मैं जयशंकर प्रसाद जी का चयन करता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी की कोई दो पंक्तियाँ सुनाएंगे? सर कामायनी की कई पंक्तियाँ हैं, जैसे उसकी प्रारंभिक पंक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ शिला के शीतल छा एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह सर, या उसी में के सर है एक बहुत सर क्षणवाद की पंक्ति है, जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्ति नील घरवाला में सावधानी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला। बहुत अच्छी बात। अभी रामचरितमानस को लेकर काफी विवाद चल रहा है। जी सर। रामचरितमानस के 7 कांड कौन कौन से? सर फर्स्ट सर बाल कांड है, सेकेंड सर अरण्य कांड है। सेकेंड ही अरण्य, सॉरी सर तब अयोध्या कांड होगा सर, हायरार्की थोड़ी डिफर हो सकती है। ठीक है। थर्ड सर अरण्य कांड, फोर्थ सर किष्किंधा कांड, सर सीरियल हो सकता है, और फिफ्थ सर सुंदर कांड, उत्तर कांड और लंका कांड है सर, फिफ्थ लंका कांड और सबसे अंत में सर उत्तर कांड है सर। अच्छा ठीक है। सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों कहा जाता है? सर इसको लेकर मतभेद है सर। हाँ। कोई कहता है कि भगवान राम सुंदर थे तो उनके नाम पर सुंदर सुंदर सुंदरा एक वर्ड बोला जाता है, कोई कहता है सर एक मैनाक पर्वत थे सुंदर थे तो उनके नाम पर, कोई कहता है सर लंका नगरी सुंदर थी तो उसमें लंका नगरी का
लंका नगरी की काफी बातें हैं, इसलिए उसको सुंदर कह दिया गया। तो सर कई आप क्या कहते हैं सर, इसमें जो सुंदर वचन है या कुछ ऐसी बातें हैं जो इसको सर हमारे मन पर हमारे मनोमस्तिष्क पे वो हमें आकर्षण पैदा करती हैं और मेरे हम लोगों के मन मस्तिष्क की जो छाती है, तो मेरा मानना है सर जो उसमें वर्णन होंगे उसकी वजह से। अच्छा ठीक है, अभी रामचरितमानस को लेकर जो विवाद है जी सर, कि शूद्र गंवार ढोल गंवार ढोल गंवार शूद्र पशुनारी जी सर, ऐसे कुछ है उस लाइन में, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? जब इन्होंने रचना की थी सर 1576 ईस्वी की रचना है सर, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी की रचना की थी तब, और सर उस समय सामंती युग था सर, और मध्यकाल में जो जैसे जहाँ नारी के स्थान नीचा माना जाता है, वर्ण व्यवस्था जाति धर्म जैसे सांप्रदायिकता जैसे जो बिंदु हैं सर वो वहाँ पर अस्तित्व में थे, तो उस परिदृश्य में रहकर सर ऐसा महाकाव्य रचना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उसमें भी सर प्रगतिशीलता को स्थापित करना। लेकिन सर जिस परिदृश्य में व्यक्ति रहता है उस पर कुछ उस समाज की या उस वातावरण के कुछ प्रभाव पड़ते हैं, और गोस्वामी जी पर कुछ प्रभाव रहे हैं, लेकिन सर ऐसे प्रभावों को हमें वर्तमान में उस समय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उसी रचना में सर जो उन्होंने प्रभाव दिखाए हैं उन पर संदेह उत्पन्न किया हुआ है उन्होंने, और जो ये पंक्ति है सर उन्होंने खल चरित्र के माध्यम से इसको दिखाया है सर, समुद्र के माध्यम से इसको दिखाया है और भगवान राम के माध्यम से नहीं दिखाया, तो इसलिए उनकी पंक्ति नहीं मानी जा सकती। ठीक है, अब तुलसी की नारीवादी दृष्टि और कबीर की नारीवादी दृष्टि में क्या अंतर? सर ये जितने महान ये लोग कवि हैं सर और जितने प्रगतिशील हैं अपने युग से आगे के हैं, नारी के यहाँ आकर इन दोनों लोग की ही दृष्टि थोड़ी संकीर्ण हो जाती है सर, लेकिन तुलसीदास जी थोड़े आगे ठहरते हैं कबीरदास जी से, क्योंकि सर ये अगर नारी को पूछते हैं या खल चरित्रों के माध्यम से उनके विरुद्ध कोई बातें कहलवाते हैं तो आगे चलकर उनके मन में सर संशय के बीज भी फूटते हैं, और वो कहते हैं कि एक पतिव्रत नारी सब रत झारी, तो सर कहते हैं कि उन्होंने एक जैसे कहते हैं सर हमारे समाज में कि पतिव्रता नारी, तो उन्होंने पत्नी के लिए एकल पति की कॉन्सेप्ट पति के मन में भी एकल पत्नी का कॉन्सेप्ट का जन्म दिया था सर वहां पर उन्होंने। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बातें मैं कमी सर ये प्लीज आइए। चंदन जी अब इंटरव्यू खत्म। थैंक यू सर, बैठिए प्लीज। थैंक यू सर, कोई दिक्कत तो सच है नहीं, पहले भी आपने अटेम्प्ट दिया हुआ है चार, तो चौथा है या चार दे चुके हैं ऑलरेडी? सर ये चौथा है सर। तो इंटरव्यू दिए थे पहले सर? मैंने मेंस जैसे हाँ सर पिछला वाला मेंस इंटरव्यू मैंने दिया था। कितना मार्क्स था इंटरव्यू में सर? 63 सर। मार्क्स तो ठीक है, बढ़िया। किसके बोर्ड में था सर? सविता अग्रवाल मैम जी के। यही है, इसे 4-5 नंबर प्लस माइनस जो भी हो, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट नहीं कर सकते हैं इस पर आपका समझ क्या कहा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मार्क्स में यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपका जो काम करना था वो मुख्य परीक्षा में ही होना है, क्योंकि दोनों मिक्स होकर के जाएगा। कोई एस सच जो सब्जेक्ट है उसके संदर्भ में या बोलने की शैली हो या बताने की शैली हो या स्किप करने की शैली, तो उसमें कोई एस सच कोई नोटिसेबल कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा, जो है सब ठीक है, बस इसी को कंटिन्यू कीजिए। जो कुछ करंट अफेयर्स पर आपके क्वेश्चन नहीं आए, यूपी की योजनाओं पर प्रश्न नहीं आए, सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन नहीं आए, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप क्या करना चाहेंगे, शिक्षा के लिए क्या करना चाहेंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या करना चाहेंगे, ये सब प्रश्न आपके नहीं आए, तो ये सब मैं मान के चलता हूँ कि आप ऑलरेडी अच्छे से तैयार करके बैठे ही होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इन द बिटवीन कर क्या रहे थे आप, खाली तैयारी कर रहे थे कोई जॉब वगैरह? सर मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था सर, तो और सर इसमें स्टेट पीसीएस में सर 18-19 में भी दिया था सर, तो कोविड हो गया तो दो अटेम्प्ट सर उसमें मेंस लिख नहीं पाया सर, और एक अटेम्प्ट छूट गया, तो 21 में दिया था सर, तो हुआ तो हो ही गया था। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक कर सकते हैं इसमें, परेशानी नहीं, आप एक मुकाम पे है जो आप ही लोगों को खोज रहा है, इस बार निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर, हां बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आशा करता हूं कि जरूर सफलता के बाद हम लोग फिर एक बार मिले जब बुलाएंगे आपको। ठीक है सर, कोई पूर्ण रूप से तैयार हैं आप कहीं? बस कब है आपका सर? 2 मार्च को सर। बस आप बिल्कुल तैयार हैं, खाली करंट अफेयर अखबार देके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। नमस्ते सर। नमस्ते सर।